हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम योर टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तो दोस्तों, मैं आज आपके लिए साइंस और पर्यावरण का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। आज मैं आपको अंतरिक्ष, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस पढ़ाने वाला हूं। तो दोस्तों, एमपीपीएससी में नया सिलेबस जोड़ा गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित कुछ फैक्ट मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूं। तो उन्हें आप ध्यान से देखना है, जो कि एमपीपीएससी में एक दो क्वेश्चन इसरो, भाभा और डीआरडीओ के ऊपर में आते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र के बारे में। दोस्तों, एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक किसे कहा जाता है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक भारत के महान अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई को कहा जाता है। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। लेकिन दोस्तों, अगर एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि भारत में नाभिकीय रिसर्च के जनक किन्हें कहा जाता है, तो वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। यानी कि भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक विक्रम साराभाई को कहा जाता है, और भारत में नाभिकीय रिसर्च से के जो जनक थे वो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। इसके अलावा दोस्तों, एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का गठन कब किया गया। तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन 1962 में किया गया था, जिसे विक्रम साराभाई की अध्यक्षता में किया गया था। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जो गठन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का गठन 1962 में किया गया, जिसके अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। भारत के अंतरिक्ष वैज्ञानिक डॉक्टर विक्रम साराभाई थे, जिन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के अंतर्गत कार्य करना आरम्भ किया था। तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति का पुनर्गठन किया गया और 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। तो एग्जाम में सीधे क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसरो की स्थापना कब की गई। तो इसरो की स्थापना जो है 15 अगस्त 1969 को की गई थी। भारत में इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी, और इसरो के प्रमुख वर्तमान में के सिवन हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए 1972 में अंतरिक्ष आयोग का गठन किया गया था। तो एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आता है दोस्तों कि अंतरिक्ष आयोग का गठन कब किया गया। तो भारत में अंतरिक्ष आयोग का गठन 1972 में किया गया। इसके अलावा दोस्तों, भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम की शुरुआत 1963 में तिरुवनंतपुरम के सेंट मेरी मैकडेलन चर्च के कमरे में हुई थी, और 21 नवंबर 1963 को देश ने पहला साउंडिंग रॉकेट नाइक एपास बनाया था। तो देश का पहला साउंडिंग रॉकेट का नाम क्या था, ये एमपीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों। तो पहला साउंडिंग रॉकेट का नाम था नाइक एपास, और इसे 21 नवंबर 1963 को भूमध्य रेखा के करीब स्थित प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा से प्रक्षेपित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख अंतरिक्ष इकाइयों के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम के ऊपर। तो यह रॉकेट अनुसंधान केंद्र है, जो कि विभिन्न रॉकेटों को लॉन्च करने की योजनाएं बनाता है और उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अभी तक SSLV, PSLV, GSLV, इन प्रक्षेपण केंद्रों में विकसित किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे इसरो उपग्रह केंद्र की। तो इसरो जो है, इसका जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है। इसरो का पूरा नाम जो होता है दोस्तों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसरो का पूरा नाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, और इसरो का मुख्यालय जो है दोस्तों, ये बेंगलोर में है। यहाँ पर विभिन्न रॉकेट का निर्माण किया जाता है, डिज़ाइन किए जाते हैं, परीक्षण किया जाता है और उनका मैनेजमेंट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र अहमदाबाद की। अंतरिक्ष उपग्रह केंद्र अहमदाबाद एक ऐसा सेंटर है दोस्तों, जहाँ पर विभिन्न सैटेलाइट और टेलीविज़न सैटेलाइटों को डिज़ाइन किया जाता है। मौसम विज्ञान, जो कि मौसम विज्ञान और पर्यावरण परीक्षण से संबंधित कार्यों को करते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे सार केंद्र हरिकोटा की। दोस्तों, एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आ सकता है कि रॉकेट प्रक्षेपण का सार केंद्र कहाँ पर है। तो ये श्री हरिकोटा में है। इसके अलावा दोस्तों, सार केंद्र जो है, जो हरिकोटा में है, यह इसरो का प्रमुख प्रक्षेपण केंद्र है। यह ठोस ईंधन पर चलने वाले रॉकेटों के प्रणोदन पर कार्य करता है। तो सार केंद्र जो है दोस्तों, यह ठोस ईंधन पर कार्य करता है। इसके बाद में हम बात करेंगे द्रव प्रणोदक प्रणाली केंद्र के ऊपर। तो तिरुवनंतपुरम
बेंगलोर और महेंद्रगिरी तमिलनाडु, तीन शाखाएं हैं दोस्तों द्रव ईंधन की, तीन शाखाएं हैं जहां पर द्रव ईंधनों को सुरक्षित रखा जाता है, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और महेंद्रगिरी। इन तीनों केंद्रों में उपग्रह के लिए बनाया जाने वाला द्रव ईंधन का विकास किया जाता है, डिजाइन किया जाता है, और महेंद्रगिरी में द्रव ईंधन को चलाने वाले रॉकेटों का परिरक्षण की सुविधा भी उपलब्ध है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसरो टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क की। तो इसरो का टेलीमेट्री निगरानी एवं नियंत्रण नेटवर्क जो है, इसका मुख्यालय जो है बेंगलोर में है, और श्रीहरिकोटा, तिरुवनंतपुरम, बेंगलोर और लखनऊ, पोर्ट ब्लेयर मॉरिशस इसके भू केंद्र हैं। इसका प्रमुख कार्य इसरो के लिए विभिन्न एजेंसियों की टेलीमेट्री निगरानी और नियंत्रण सुविधाओं को प्रदान करना है। तो दोस्तों इसरो का जो टेलीमेट्री केंद्र है ये बेंगलोर में है। कहाँ पर है? बेंगलोर में। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों मुख्य नियंत्रण केंद्र हासन। हासन जो है दोस्तों ये तमिलनाडु में है जो मुख्य नियंत्रण केंद्र है। यहाँ पर इंसेट उपग्रह के प्रक्षेपण के बाद विभिन्न गतिविधियों को पर निगरानी रखना, ये सभी हासन केंद्र पर किया गया। इसरो का मुख्य नियंत्रण केंद्र दूसरा जो है दोस्तों, इसरो का मुख्य नियंत्रण केंद्र जो दूसरा, ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इसरो की कौन सी ब्रांच है जो मध्य प्रदेश में है। तो इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण केंद्र जो कि भोपाल में 11 अप्रैल 2005 को स्थापित किया गया है। इसरो का दूसरा मुख्य नियंत्रण केंद्र 11 अप्रैल 2005 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थापित किया गया है। इस फैक्ट को आपको 100% रट लेना है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों इसरो का जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ है। तो एमपीपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है कि इसरो का जड़त्व प्रणाली इकाई कहाँ पर है। तो इसरो का जड़त्व प्रणाली इकाई जो है दोस्तों ये तिरुवनंतपुरम में है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में, ठीक है दोस्तों। इसरो का जड़त्व प्रणाली इकाई केंद्र तिरुवनंतपुरम में है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद। दोस्तों भौतिक अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत कार्यरत यह संस्थान अंतरिक्ष और संबद्ध विज्ञान में अनुसंधान और विकास करने वाला प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है। यहाँ पर भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी हैदराबाद। तो दोस्तों राष्ट्रीय सुदूर संवेदी एजेंसी जो है ये हैदराबाद में है। अंतरिक्ष विज्ञान के अंतर्गत कार्यरत यह एजेंसी उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करके पृथ्वी के संसाधनों की पहचान करता है कि कहां पर कौन सी धातु के अयस्क हो सकते हैं ये वो। इसका मुख्य केंद्र बालानगर है और इसके अतिरिक्त ये देहरादून में भी इसका एक अंग है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंतरिक्ष विज्ञान की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो एमपीपीएससी में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है इन घटनाओं से रिलेटेड आते हैं, तो डेट वाइज क्वेश्चनों पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको कि भारत के द्वारा निर्मित पहला उपग्रह, तो दोस्तों भारत के द्वारा निर्मित पहला उपग्रह था स्पुतनिक फर्स्ट। भारत के द्वारा निर्मित पहला उपग्रह जो था दोस्तों उसका नाम था स्पुतनिक फर्स्ट, और इसे 4 अक्टूबर 1957 को पूर्व सोवियत संघ के द्वारा अंतरिक्ष में पहली बार प्रक्षेपित किया गया था। तो दोस्तों इस स्पुतनिक फर्स्ट जो है यह विश्व का पहला उपग्रह है जो अंतरिक्ष में पूर्व सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। गलत हो गया दोस्तों, स्पुतनिक फर्स्ट जो है ये अंतरिक्ष में भेजा गया विश्व का पहला उपग्रह है, और भारत के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया पहला उपग्रह आर्यभट्ट था। आगे बढ़ते हैं, स्पुतनिक सेकेंड जो है दोस्तों एमपीपीएससी में सीधे क्वेश्चन आता है कि भारत विश्व में जो पहला प्राणी जो है वो किस उपग्रह में भेजा गया था। तो स्पुतनिक सेकेंड से अंतरिक्ष में पहले जीवित कुत्ते लाइका को भेजा गया था। तो अंतरिक्ष में जीवित कुत्ते लाइका को भेजने वाले उपग्रह का नाम स्पुतनिक सेकेंड था। यह 3 नवंबर 1957 को लाइका को भेजा गया था। एमपीपीएससी में क्वेश्चन आता है कि उस कुत्ते का नाम क्या था, तो लाइका था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम बात करेंगे स्कोर की। तो अंतरिक्ष में विश्व के द्वारा भेजा गया पहला संचार उपग्रह जो था उसका नाम था स्कोर। विश्व में पहला अंतरिक्ष उपग्रह जो भेजा गया था उसका नाम था स्कोर। यह अंतरिक्ष में पहला ऐसा उपग्रह था जो कि संचार के लिए भेजा गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लूना थर्ड की। तो दोस्तों चंद्रमा के चित्र भेजने वाले पहले उपग्रह का नाम था लूना थर्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वोस्टॉक प्रथम जो था दोस्तों ये पहली बार मानव को अंतरिक्ष में भेजा गया था, और पूर्व सोवियत संघ के नागरिक
यूरी गागरिन पृथ्वी का परिक्रमण इन्होंने 12 अप्रैल 1961 को किया था और ये पहले अंतरिक्ष यात्री थे। इसके बाद में हम बात करेंगे वोस्टॉक 6 की। तो दोस्तों ये पूर्व सोवियत संघ की वेलेंटाइना टेरेस्कोवा जो थी, प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री जो थी वेलेंटाइना टेरेस्कोवा, वो वोस्टॉक 6 से गई थी। और वोस्टॉक प्रथम से जो है यूरी गागरिन गए थे। इसके बाद में हम बात करेंगे इंटेलसैट की। तो दोस्तों व्यावसायिक उपयोगों के लिए जो पहला सैटेलाइट भेजा गया था उसका नाम था इंटेलसैट। इसके बाद में हम बात करेंगे वेनेरा 3 की। तो दोस्तों पहला अंतरिक्ष यान जो किसी अन्य ग्रह या शुक्र ग्रह पर उतरा उसका नाम वेनेरा 3 था, जो कि पहली बार शुक्र ग्रह पर उतरा था। इसके बाद में लूना 9। तो दोस्तों चंद्रमा के तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान का नाम था लूना 9। एबीपीएससी में सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था, तो लूना 9 जो था दोस्तों यह चंद्रमा के तल पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था। इसके बाद में हम बात करेंगे सोयूज 4 की। तो दोस्तों सोयूज 4 जो था यह पहला प्रयोगात्मक अंतरिक्ष केंद्र था। इसके बाद में हम बात करेंगे अपोलो 11 की। तो दोस्तों एमपीपीएससी में सबसे ज्यादा अपोलो 11 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं कि नील आर्मेस्टांग किस वायुयान से चंद्रमा पर उतरा था, तो नील आर्मेस्टांग अपोलो 11 से उतरा था। इसे 16 जुलाई 1969 को प्रक्षेपित किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब हम बात करेंगे मार्स 2 की। तो मार्स 2 जो है दोस्तों यह काफी महत्वपूर्ण मिशन था, यह मंगल ग्रह के लिए निर्धारित किया गया था। तो उपलब्धि है मंगल ग्रह पर पहली बार अंतरिक्ष पर उतरा था मार्स 2। तो इस तरह से दोस्तों मेरा अंतरिक्ष अनुसंधान से संबंधित छोटा सा लेक्चर था। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही आने वाले समय में मैं और भी टॉपिक्स के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूंगा। अगर आपको मेरे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो को देखना है तो अभी जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन की बटन को ऑन करें, ताकि मेरे द्वारा बनाए जा रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन कैसे मिलेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मैं था आपका टीचर इंजीनियर प्रवीण कुमार बागड़े। तब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।